हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8 से लेके 12 साल तक की छोटी बच्चियों का कुर्ते की कटिंग किस तरह से करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास का हमारा कपड़ा है, हमने जो कपड़े का पीस लिया है ये हमारा हमने डबल फोल्ड में रखा है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड में इसको बिछा लेंगे, 4 तह में। यह हमारा 4 तह में हमने बिछा लिया कपड़े को इस तरह से। इसके बाद हम इसको प्रेस से सीधा कर लेंगे, एकदम अच्छी तरह से बिठा लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम सबसे पहले हमारी जो लंबाई है हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये नीचे प्रिंट है, तो यहाँ पे प्रिंट के साथ ही हम यहाँ से लंबाई लेंगे। हमारी लंबाई है 26 इंच, तो हम यहाँ पर 26.5 पे निशान लगाएंगे और उसके बाद इसको हम सीधा इस तरह से फुटे से मिला लेंगे निशान को। इसके बाद दोस्तों हम जो तीरा यहाँ पे रखेंगे, तो छोटी बच्चियों के लिए जो हम तीरा रखते हैं वो रखेंगे हम 5 इंच पे। तो हम तीरे का जो निशान लगाएंगे वो 5 इंच पे रखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल के निशान के लिए हम यहाँ पे जहाँ से हमारी लंबाई है वहाँ से नीचे की तरफ इंच टेप रख के हम 5.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे और जो हमारी कमर का निशान आएगा यहाँ पे वो आएगा 10 इंच पे और उसके बाद हिप का निशान आएगा हमारा 15 इंच पे। अभी इसी तरह से हम सेम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। और इन निशानों को फूटे से सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइनें बनाने के बाद सीधी हम अब हम यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट का निशान लेंगे। तो यहाँ पे हम जो फ्रंट रखेंगे वो भी हम 5 इंच पे रखेंगे, 5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो टोटल हमारी चेस्ट का जो हमारे पास मेजरमेंट है वो इस तरह से है, चेस्ट हमारी 30 इंच है प्लस इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 32 इंच। 32 को हम हमारा चौथे इंच से लेंगे, हम इसमें 4 से डिवाइडेड है तो इसको हम 8 इंच पे आएगा, तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने 2 इंच की लूजिंग दी है। अगर आप प्रॉपर फिटिंग का बना रहे हो तो आपको 2 इंच की लूजिंग देनी है, अगर आप हल्का सा लूज बनाना चाहते हो तो यहाँ पे 2.5 इंच की भी लूजिंग दे सकते हो। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी है 28 इंच, इसमें हम 2 इंच लूजिंग रखेंगे तो ये हमारी 30 इंच पे आती है। तो यहाँ 30 का अगर हम चौथा इंच से करें तो यहाँ पे निशान आएगा हमारा 7.5 इंच पे। इसके बाद दोस्तों हमारी हिप, हमारे हिप का जो नाप है वो है 31 इंच, इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे मार्जिन, ये हमारा 34 इंच आता है। तो 34 इंच का हमारा चौथा हिस्सा हो गया 8.5 इंच, तो हम यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ नीचे घेरे की तरफ भी हम इसको स्ट्रेट रखेंगे तो यहाँ पे भी हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये निशान लगाने के बाद दोस्तों हम इसको फूटे से सीधा इस तरह से इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। यहाँ पे हमने बिल्कुल सीधे फूटे का ही यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें गोलाई देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बच्चों का सूट बनेगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे 2-2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे कपड़े का, ये हमारा सिलाई में मोड़ने के काम भी आएगा और एक्स्ट्रा मार्जिन जो बचेगा वो हमारा साइड में रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो हमारा आगे का हिस्सा है यहाँ पे हम आगे की साइड यहाँ पे ऊपर 1 इंच का पहले निशान लगाएंगे, 1 इंच आगे की तरफ निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा मिला लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम अपने जो हमारा क्रॉप स्केल है उसके साथ हम यहाँ पे गोलाई देंगे। आगे के हिस्से को हम हल्का सी अंदर की तरफ गोलाई रखेंगे इस तरह से और जो हमारा पीछे वाला हिस्सा आएगा बैक का हिस्सा उसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा इसको गोलाई देके कट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा एक आगे का हिस्सा निकलेगा और दूसरा बैक साइड का,
इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे 4 इंच। यहाँ पे हम गले की जो चौड़ाई 4 या 4.5 इंच पर रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लेंगे। और इसकी जो लंबाई हम रख रहे हैं यहाँ पे वो रखेंगे टोटल 5 इंच का गला रहेगा, तो हम यहाँ पे 5.5 पे निशान लगाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से मोटे की तरफ से हल्का सी 1/2 इंच के करीब इसको डाउन करेंगे और इसको तिरछा इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमने निशान अपने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं निशानों पे। अब इसके बाद दोस्तों हम पहले हम दूसरी तरफ जो अपने हमने निशान ऊपर लगाए हैं दूसरी साइड भी अपने निशानों को पहले कुटका लगा लेंगे, उसके बाद अपने जो हम निशान लगाएंगे इसको दूसरी साइड भी अभी हम इसी तरह से आप हल्के से कपड़े को मोड़ के वहाँ पे निशान लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे निशान कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम जो हमारा बैक का हिस्सा है अंदर वाला उसको हम साइड में निकाल लेंगे और आगे जो हमारा फ्रंट का हिस्सा है उसका जो हम गोलाई देंगे यहाँ पे, ये कपड़े की हम छटाई कर लेंगे, जो आगे हमारा फ्रंट जो है हम छांट लेंगे इसको अलग से। तो यहाँ पे हमारी हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। इसके बाद हम अपनी जो बाजू की है इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग के लिए ये हमने डबल कपड़ा यहाँ पे लिया है, ये हमारा डबल फोल्ड है, इसको हम इसी तरह से 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो बाजू की लंबाई है वो है 5 इंच, तो हम यहाँ पे 5.5 पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 2.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेंगे 2.5 इंच इधर को, और इस निशान को भी हम इस तरह से मिला लेंगे। अब हमारी जो चेस्ट है आगे की तरफ पहले हम यहाँ पे बाजू का निशान लगा लेंगे, हमारी रहेगी 4.25 इंच पे। और यहाँ पे हम अपनी चेस्ट का 5वां हिस्सा लेके यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और इसको इस तरह से फूटे से तिरछा इसको मिला लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लगभग 1.5 इंच के करीब नीचे को निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम इस तरह से इसको हल्का सा गोलाई में मिला लेंगे और अंदर की साइड भी हम हल्की गोलाई देके इसको निशान लगा लेंगे और बाजू को कट कर लेंगे। सेंटर पे हम कुटका लगाएंगे और जहाँ पे हमने निशान लगाए हैं वहाँ पे भी हम कुटका लगा लेंगे। अब हम बाजू को सीधा रख के यहाँ पे भी जो हमने निशान लगाया है उस पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है और इसके साथ ही हमारी कुर्ती की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है और यहाँ पे हमारी इसके साथ ही वीडियो भी समाप्त होती है। तो दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।